नमस्कार प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। ये आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की लिखी हुई किताब पर आधारित है जिसमें असल जिंदगी की कहानी लिखी हुई है। अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सुपर विलन चंदन महतो की। दरअसल किताब का नाम लाइफ इन द यूनिफॉर्म एडवेंचर ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार है। सीरीज में सुपर कॉप अमित लोढ़ा और सुपर विलेन चंदन महतो को दिखाया गया है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे बिहार के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा था। सीरीज रिलीज होने के बाद से ही चंदन महतो की चर्चा हो रही है। हर कोई इस बात को जानने के लिए बेकरार है कि आखिर बिहार पर आतंक बरसाने वाला ये इंसान कौन था। चंदन महतो के किरदार को फिल्म लैला मजनू के एक्टर अविनाश तिवारी ने निभाया, वहीं पुलिस ऑफिसर अमित लोढ़ा के रोल में एक्टर करण टैंकर। आज से करीब 25 साल पहले एक ऐसा दौर था जब बिहार मर्डर, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों के लिए देश भर में कुख्यात था। हर दिन वहां अपराध से जुड़ी कोई ना कोई खबर सुर्खियों में रहती। भूमिहार और कोयरी जातियों के बीच जंग जैसी स्थिति बनी हुई थी। 2005 में यहां गैंगवार में दो रातों में 15 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अगर आप भी चंदन महतो के बारे में जानने के लिए बेकरार हैं तो बता दें कि ये किरदार असल जिंदगी के गैंगस्टर पिंटू महतो पर आधारित है। पिंटू अशोक महतो गैंग का सबसे शातिर और खतरनाक गैंगस्टर था। अशोक का गैंग बिहार पर राज किया करता था। पिंटू महतो पर भी कांग्रेस के एमपी राजू सिंह की हत्या समेत वीडियो की हत्या का भी आरोप था। हालांकि अब साक्ष्य के अभाव में लगभग सभी मामलों में बरी हो गए हैं पिंटू महतो। गैंगस्टर पिंटू महतो पर लगभग 30 मर्डर और अपहरण के केस थे। 2002 में वो अपने साथियों के साथ नवादा का जेल भी तोड़कर भागा था। जेल तोड़ने से पहले उसने साथियों संग मिलकर दो पुलिस वाले की हत्या भी की थी। ये आरोप भी पिंटू महतो पर लगा था। जब शेखपुरा में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा का ट्रांसफर होता है और उसके बाद क्षेत्र में आतंक के पर्याय बन चुके अशोक महतो और पिंटू महतो की गिरफ्तारी हो जाती है, और ये सब सिर्फ 3 महीने के अंदर ही अमित लोढ़ा करते हैं। हालांकि सुपर कॉप अमित लोढ़ा की किताब में सीधे तौर पर पिंटू महतो का नाम नहीं लिखा गया है। आपको बता दें कि पिंटू महतो ने अब जेडीयू ज्वाइन कर ली है। कभी जिस नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तेज तरार एसपी को उस जिले की कमान दी जहां अशोक महतो और पिंटू महतो की तूती बोलती थी और उसे सलाखों के पीछे भेजना चाहते थे, आज वही पिंटू महतो नीतीश कुमार की पार्टी का मेंबर है और उसकी पत्नी चुनाव तक लड़ चुकी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।